यशन, व्हाई आर मेटल्स कॉल्ड मेलेबल? इज जशन देयर? रेज योर हैंड्स, हु इज जशन फ्रॉम 10B? मैं यस, व्हाट इज बीइंग मेलेबल, किसको बोलते हैं? कोई चीज मेलेबल होती है तो व्हाट डज इट मीन? शीर्ष बेच क्या होता है? सीट्स मशीर्स डक्टाइल में चेंज हो सकता है। एंड व्हाट इज बीइंग डक्टाइल? बायर्स वायर्स में उसको हम चेंज कर सकते हैं। गुड। और क्या प्रॉपर्टीज हमने की थी? गुरलीन फ्रॉम 10C, कैन यू टेल मी अदर फिजिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमने कल किया था, पढ़ा था आपने, जो हम कल आपने डिफरेंसेस लिखे थे। कैन यस यू गिव मी टू, एनी टू पॉइंट्स डिफरेंस? मेटल्स यस प्लीज। हैव हाई डेंसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. यस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट? दे आर नॉन सोनरस. नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। हमने एक एक्सेप्शन भी किया था, वन नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वाज दैट? कैन एनीबडी नेम अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? वी डिड दैट इन डिफरेंसेस। आई मेड यू राइट इट ऑन द बोर्ड। हाँ ग्रेफाइट जी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि ग्रेफाइट के पास लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ऑफ विच इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या है, किसकी वजह से वो कंडक्टर्स होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर्स हैं कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बड़े पीस मेटल दिस इज अबाउट मेलेबिलिटी, कि जब आप किसी भी मेटल को हैमर से स्ट्राइक करते हो तो जो उसका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हमने किया था कि बीच में मेटल एटम्स हैं और साइड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मेटल एटम्स स्लाइड पास्ट कर जाते हैं एंड दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स एंड वायर्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड बीइंग मेलेबल एंड डक्टाइल। ये आपका इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, आप इसको हैमर करोगे तो इसके जो मेटल एटम्स है वो पूरा शीट की फॉर्म ले लेंगे, और अगर आप उनको वायर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उनको वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। As you can see, सेंटर में जो मेटल एटम है इसको हम कर्नल बोलते हैं, और यहाँ पर आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दिख रही है, ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स से दिख रहे हैं, इस तरह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट? दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी की वजह से जो हमारी कॉपर वायर्स हैं वो कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और अगर आप मेटल पीस को बैटरी के बीच में इंसर्ट करते हो तो आपने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी पढ़ी होगी बुक में, कि वो अगर मेटल पीस को आप सर्किट में इंक्लूड करते हो तो बल्ब ग्लो करेगा। दैट मीन्स उस मेटल के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास हुए, वो क्यों हो पाए? क्योंकि वो एक कंडक्टर है। कंडक्टर कौन होता है? जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास कर सकते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कॉपर वायर्स में भी यही है, कॉपर की जो वायर है उसमें भी एटम्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा था उसको हम कर्नल बोलते हैं, वो अंदर के कोर होती है एटम की, और बाहर के लूज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे। यस A piece of metal is hit by a hammer, it does not break, but changes shape. This property of metals is लाइक दिस, called
यहाँ पर ये जो पॉजिटिवली चार्ज ब्लू कलर के हैं ये आपके कर्नल्स, इनको हम बोलते हैं। ये डॉट्स जो आप देख पा रहे हो ये डॉट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी ये आपको हैमर करके ये बताना चाह रहा है कि ये मूव करेंगे, ये ब्रिटल नहीं है। जैसे नॉन मेटल्स का हमने किया था कि वो ब्रिटल है, नॉन मेटल को ऐसे हम हैमर करेंगे वो बिखर जाएगा, पार्टिकल्स में छोटे छोटे चूरा चूरा हो जाएगा। लेकिन एक मेटल ऐसा नहीं करता, वो अपने आप को एडजस्ट करके ये सारे एटम्स पूरे शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए That the layers of ions conduct with the delocalized electrons into thin wires. The presence of freely moving delocalized ये electrons. आपने एक वर्ड सुना होगा, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। मैंने कल आपको बोला था अगर आप मेटल का पीस लेते हो, आप कॉपर की वायर पकड़ते हो, तो आपको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सर्किट में यूनिडायरेक्शनल फ्लो में नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं। उनकी मूवमेंट को डीलोकेलाइजेशन बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये लोकल बंदा है, मतलब वो उधर ही रहता है, उसको लोकल बोलते हैं कि उसी प्लेस में रहने वाला। लेकिन इनको बोलते हैं डीलोकेलाइज्ड, मतलब ये अपनी जगह पर नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं। तो ये रैंडम मूवमेंट आपको इलेक्ट्रॉन्स की वैसे मिलती है जब वो नॉर्मल वायर के फॉर्म में है। जब उसको सर्किट में डाल देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपको इलेक्ट्रॉन्स का मिलेगा। आपको देख रहे हैं ये अभी रैंडम है, जब सर्किट कंप्लीट करोगे तो ये पूरा एक ही तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू करते हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, आपने कभी देखा भी होगा, आप कभी चार्जिंग पे चाहे फोन को लगाओ, चाहे अडाप्टर देखो, वो गर्म हो जाता है। इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ये थर्मामीटर से उसको देख रहे हैं कि वहां पर फ्लो जब भी इलेक्ट्रॉन्स का होगा, दैट गेट्स हीटेड अप, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने ध्यान से सुनना है जो भी मैं बोलूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी, और मैं आपके नाम बोल के फिर आपको आगे बुला के आपसे क्वेश्चन पुट करूंगी, ठीक है। तो आपको आना चाहिए, इसीलिए ध्यान से सुनना। ओके, सो आर टुडेज टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, पहले हम मेटल्स की करेंगे फिर नॉन मेटल्स की करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि मेटल्स कैसे एयर के साथ, कैसे वाटर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम इसमें करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। एयर में हम करेंगे उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि एयर में तो नाइट्रोजन भी होती है और भी बाकी गैसेस भी होती हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, एंड फिर हम करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है। एसिड में आप HCl ले सकते हो, H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड एसिड्स हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको जनरल सा एक आइडिया अपने माइंड में रखना है कि बनता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिकली करेंगे कि कौन सा एलिमेंट क्या बनाता है। पर जब भी कोई मेटल एयर के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा? मेटल की ऑक्साइड बना देगा। मेटल और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर जाएंगे एंड वी कॉल इट मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जब भी कोई मेटल
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मेनली तो मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल्स दे मेक मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स मेटल की ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है। वो तब जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो हम स्पेसिफिक वो रिएक्शन भी लिखेंगे। पर मेनली जो मेटल्स हैं वो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। और एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करते हो मेटल का, तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट। देन मेटल्स की रिएक्टिविटी, हर मेटल की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। मतलब कुछ नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ थोड़ा सा हीटिंग उनको रिक्वायर्ड होती है, और कुछ को प्रोलॉन्ग हीटिंग चाहिए होती है, तब जाके वो मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है बहुत रिएक्टिव मेटल का एग्जाम्पल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव जिसके बारे में आपने सुना हो? एनी मेटल, एनी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल जिसके बारे में आपने पढ़ा हो, सुना हो? पोटाशियम, पोटेशियम, और एक और सोडियम, सोडियम। सोडियम पोटेशियम जो है दे आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इनका जो रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, वो बहुत विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट आपने ये भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि वो एयर में, अगर भाई एयर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन में वो इतना विग्रेसली रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसीलिए हमें उनका रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए दे हैव टू बी स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन, तो Na प्लस O2 गिव्स यू, सी Na जो है वो ग्रुप वन का एलिमेंट है, तो उसकी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Na पे वन पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको उसके अकॉर्डिंग उस पे चार्ज मिलता है, तो Na गेट्स वन पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑक्सीजन इज 2 6, उसका कॉन्फिगरेशन है 2 6, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये आपके पास चार्जेस है, Na वन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, इसको आप क्रॉस करोगे तो जो सोडियम की ऑक्साइड बनेगी दैट विल बी Na2O, ठीक है। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स, Na प्लस O2 गिव्स Na2O, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। अब ये तो आप रूम टेम्परेचर पे आराम से करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको लेस रिएक्टिव एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनानी हो, तो आपको थोड़ा सा इसको हीट करना पड़ता है। नाउ व्हाट इज चार्ज ऑन मैग्नीशियम, डू यू नो चार्ज ऑन मैग्नीशियम? आपको अगर मैग्नीशियम की ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है तो यू शुड नो व्हाट चार्जेस डू दे कैरी। कल भी मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, एक तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में यू हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो हम उसको स्टडी नहीं करते, लेकिन ये सारे एलिमेंट्स दे कैरी प्लस वन चार्ज, इन सबकी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने का यही पर्पस है, इट मेक्स आवर स्टडी इजियर। हाउ? वो यही कि एक जगह पे जो भी एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम दे शो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम शो प्लस वन चार्ज, और इसमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तो आप काफी पढ़ोगे, यू शुड नो देयर चार्जेस। सेकेंड लाइन में यू हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम एटलीस्ट फर्स्ट थ्री आपको पता होने चाहिए जो आप ज्यादा पढ़ते हो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों पे है +2 चार्ज। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम हियर। सो मैग्नीशियम कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरीज 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव, दिस कैंसल्स आउट एंड व्हाट फॉर्मूला डू यू गेट? यू गेट MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट ये इतना रिएक्टिव नहीं है जितना सोडियम होता है। दिस हैज टू बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज अगर सुनी है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या करते हैं हम, इन एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सुना है आपने? हैव यू डन रिएक्टिविटी सीरीज? रेज योर हैंड इफ यू हैव डन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। नो? ओके, आई विल मेक यू डू इट। फाइन, सो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के साथ सोडियम तो बहुत इजीली कंबाइन कर रहा है, मैग्नीशियम को थोड़ा सा हीट करना पड़ता है और एलिमेंट को और ज्यादा, जो लेस रिएक्टिव इससे भी लेस रिएक्टिव है जैसे आयरन है, उसको और भी ज्यादा हीट करना पड़ेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, तभी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंडर। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिव रिएक्टिविटी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपको अगर इसको याद रखना है तो आप एक निमोनिक के थ्रू कर सकते हो। ओके, सो ये एलिमेंट्स हैं कुछ पॉपुलर वाले जो जो कि आप याद रख सकते हो। के इज पोटेशियम, Na इज सोडियम, Ba इज बेरियम, Ca इज कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Sn टिन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मर्करी, Ag सिल्वर, Pt प्लैटिनम, Au गोल्ड। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब आप इनको याद करने के लिए यू कैन नोट इट डाउन, अपने मॉनिक लिख सकते हो केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा पीके से पकाता है। सी हाइड्रोजन जो है वो इन एलिमेंट्स को सेपरेट करता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये निमोनिक यहां तक है, हाइड्रोजन तक। हाइड्रोजन इनकी एक स्टैंडर्ड बार है जिसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स कम रिएक्टिव हैं। नीचे वालों के लिए कैन जस्ट रिमेम्बर चापा। ठीक है, व्हाट इज दिस? कॉपर मर्करी सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड। आप इसको चापा वर्ड से याद रख सकते हो। ठीक है, सो जो भी एलिमेंट्स, एक तो इनमें से सबसे ज्यादा जो हुआ वो पोटेशियम हुआ। ठीक है, सोडियम फिर बेरियम फिर कैल्शियम। आपको ये कहाँ कहाँ यूज होगी? अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड की, तो सबसे ज्यादा इजीली ये टॉप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, उससे कम स्पीड से उससे बॉटम वाले, उससे कम स्पीड से उससे बॉटम वाले। ठीक है, और हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, वो भी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। उसमें क्या होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो वो भी रिएक्टिविटी सीरीज से ही हम करते हैं। हैव यू फिनिश्ड राइटिंग इट? Raise your hands if you're still writing. Anybody is still writing? Okay, please finish it.
डन बेटा। तो अब देखो यहाँ पर हम तीन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, एक सोडियम, एक मैग्नीशियम और एक कॉपर, ठीक है। अब सबसे रिएक्टिव मैंने बोला ये वाले सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद रिएक्टिविटी इधर को कम होती रहती है, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, सिद्धार्थनाथ बाबा का माली आलू जरा पीके से पकाता है कॉपर मर्करी सिल्वर प्लैटिनम एंड, ठीक है। इस तरीके से ये चल रही है। सो हमने तीन एलिमेंट्स को कंसिडर करना है जिनके हम ऑक्साइड्स को स्टडी करेंगे। ये थ्री एलिमेंट्स हैं, सोडियम मैग्नीशियम एंड कॉपर। सो एज यू कैन सी इनसे इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है। तो जब आप सोडियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हीट करने की जरूरत नहीं, आप उसको रिएक्ट करने दोगे तो वो Na2O बनाएगा। विदाउट हीट इट विल बी एबल टू डू दैट। लेकिन जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तब वो मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम को हीट करना पड़ा बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। और अगर आपको कॉपर को ऑक्साइड में चेंज करना है, CuO बनाना है, तब आपको प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ेगी, काफी देर तक उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्साइड बनाएगा। तो दिस इज डिफरेंस इन देयर रिएक्टिविटी। सो यू कैन राइट दैट दिस इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एंड ऑल मेटल्स हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी। समझे? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस? Raise your hands if anybody wants to ask any question about this. Otherwise, I'll shift to next topic. No? ठीक है. Then is nature of metal oxides. So can you tell me nature कैसा होगा metal की oxide का? Nature से क्या समझते हो? आपको ये बताना है कि metal की oxide acidic होती है या basic होती है? What is nature of metal oxide? They are? Anybody? No? Basic. They are basic in nature. ठीक है. So, we'll do nature of metal oxide and we say that metal oxides are basic in nature. ठीक है, लेकिन क्या सारी मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं नेचर में? आर ऑल मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर? इट इज नॉट सो। ठीक है, कुछ ऑक्साइड्स जैसे कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड क्या होती है? Al2O3। इज दिस बेसिक इन नेचर? No, this is not basic in nature. इसको हम बोलते हैं ये है amphoteric in nature. ठीक है, amphoteric वो होता है जो acid और base दोनों के साथ react कर सकता है. तो acidic और basic दोनों nature जिसके होते हैं that is called amphoteric in nature. See, मैंने आपको बोला कि सारे group वन वाले elements और ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स ये बेस्ट मेटल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट टू लाइंस हैं। आई डिडंट मेंशन अबाउट थर्ड लाइन, क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे मेटल्स नहीं होते जितने आपको बेस्ट मेटल्स जो मिलेंगे वो एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं फर्स्ट टू लाइंस जो मैंने आपको एलिमेंट्स पे लिखवाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम या बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम, ये वाले अच्छे मेटल्स हैं। इनको या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है या दो इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम है तो मेटल, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फिगरेशन है 283। अब इसकी लास्ट शेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो इट इज नॉट इजी टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। दो इट इज अ मेटल
मगर इतना भी अच्छा, इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है जितना रिएक्टिव आपके सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है। तो इसके जो ऑक्साइड्स हैं, दैट इज नॉट बेसिक इन नेचर, एम्फोटेरिक है नेचर में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, दे आर आइदर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक में आप एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे मिलाली जब आप नॉन मेटल्स की करते हो, तब हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। उसमें आप न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी करते हो जो कि कम है, मगर है तो वो पार्ट, ये मेटल का ही पार्ट है, और जो वहां पर CO, NO, N2O, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती है, तो उस टाइम पे आप ये पढ़ते हो, ठीक है। तो सिर्फ एसिडिक बेसिक नहीं, आपको एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स को भी कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वॉटर। वॉटर के साथ मेटल्स का रिएक्शन। सो लाइक आई टोल्ड यू, जब भी मेटल वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल मेक हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड आपको ऑब्टेन होगी, ठीक है। इसमें भी आपको मेटल के चार्जेस अगर पता होंगे, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो आपका सही बनेगा, ठीक है। ट्राई मेकिंग द फॉर्मूला, आई विल गिव यू लाइक, इफ यू हैव टू रिएक्ट जिंक प्लस वाटर, टेल मी व्हाट डू यू गेट। इफ यू हैव टू रिएक्ट एल्यूमिनियम विद वाटर, टेल मी व्हाट डू यू गेट। मेक द फॉर्मूलाज, यू कैन रेज योर हैंड टू टेल मी। ओके, हु इज अर्शप्रीत फ्रॉम 10D? अर्शप्रीत फ्रॉम 10D, इज शी देयर? या ओके, यस मैम। हां जी बेटा, व्हाट डू यू गेट इफ यू रिएक्ट मैग्नीशियम विद वाटर, क्या मिलेगा आपको? बता सकते हो? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो अभी यही रहना, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम है, ठीक है, इनके साथ आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, किसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, पता है? एनीबडी रेज योर हैंड्स हु नो व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन? OH। OH नेगेटिव, ठीक है, चार्ज के साथ आपको बताए, ताकि आप फॉर्मूला आराम से बना सको, ठीक है। सो हाइड्रोक्साइड इज OH नेगेटिव आयन, और मैग्नीशियम पे क्या चार्ज होता है? टू पॉजिटिव। टू पॉजिटिव, वेरी गुड। तो मैग्नीशियम पे अगर टू पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज है, क्या फॉर्मूला बनेगा जब ये क्रॉस करेंगे? तो MgOH। MgOH ट्वाइस। बेटा यहाँ पर ये जो टू है वो यहाँ पर आएगा इसके सबस्क्रिप्ट में, तो दिस बिकम्स MgOH। यहाँ पर मैग्नीशियम का ये टू इधर चला जाएगा, इसका 1 इधर, तो 1 को तो हम नहीं लिखते, तो दिस बिकम्स MgOH ट्वाइस, ठीक है। आपको फॉर्मूला गलत नहीं लिखना है, और इसी के लिए आपको चार्जेस पता होने चाहिए, और इसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार कि पीरियोडिक टेबल देखो, एटलीस्ट फर्स्ट टू जो आपके लाइंस हैं, जिनमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें तीन तीन लर्न कर लो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सबका +1 चार्ज, बेरिलियम कैल्शियम और मैग्नीशियम,
तीनों का प्लस टू चार्ज, ठीक है, और इन चार्जेस को आप क्रॉस करते हो। आपने 9th में फॉर्मूला बनाना सीखा होगा, इन चार्जेस को आप क्रॉस करते हो, ठीक है। तो मेटल, जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव मेटल हम किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम को। तो जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा तो उसको जब वॉटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ओके बेटा, प्लीज गो एंड सेट, गुड। नेक्स्ट, गुरलीन फ्रॉम 10C, गुरलीन फ्रॉम 10C, यस। हाँ जी बेटा, आप मुझे बताओगे सोडियम का, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर व्हाट डू यू गेट, क्या मिलेगा? जब मैग्नीशियम रिएक्ट किया वाटर के साथ तो क्या मिला था? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल, मेटल, अब मेटल तो बता दो ना, मेरा मेटल मैग्नीशियम है, तो अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम को डालेंगे वाटर में तब क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा? NaOH ट्वाइस। नो, NaOH होगा सिर्फ। Na पे क्या चार्ज है? वन। वन, तो फिर वन है तो ट्वाइस क्यों लगेगा? यही तो मैं कह रही हूँ आपको, इस फॉर्मूला के लिए आपको मेटल्स का चार्ज याद रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे कैरी प्लस वन चार्ज, सिर्फ वन पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे कैरी प्लस टू चार्ज, राइट? तो आपको Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH, ठीक है। ओके बेटा, गुड, गो एंड सेट, दिस इज NaOH, फाइन। तो ये वो एलिमेंट्स थे जिनकी रिएक्टिविटी हाई थी, ठीक है। लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी हाइड्रोक्साइड नहीं बनती, इनकी बनती है ऑक्साइड, और साथ में आपको मिलता है हाइड्रोजन। सो जिंक, व्हाट इज चार्ज ऑन जिंक, एनीबडी? जिंक पे क्या चार्ज होता है, Zn पे? रेज योर हैंड्स हु नोज। टू पॉजिटिव, जिंक पे होता है टू पॉजिटिव, ठीक है। तो जिंक की हमें ऑक्साइड मिलेगी, ठीक है। तो Zn इज टू पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज टू नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, ZnO मिल जाएगा, ठीक है। ZnO इज द ऑक्साइड और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम, व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद वाटर, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनेगी, हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हु नोज इट? Al2O3। Al2O3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन जाएगी Al2O3 और साथ में मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 Al आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। दिस इज वेल बैलेंस्ड। आपको बैलेंस करना होता है इक्वेशन को, बिकॉज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने जितना लिया उतना बना, ठीक है। अगर बैलेंस नहीं करोगे मतलब वो आपने लिया ज्यादा या कम और बना भी कुछ और, तो वो नहीं फॉलो होता है, वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं हुआ। तो इसीलिए आपको इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। और कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है यहाँ पे? देखो, चेक करो और मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन इनमें से बैलेंस नहीं है, फिर तो उसको बताओ जी। एक, एनी वन ऑफ यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी, आपने किया होगा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। तो सोडियम, एन ए
प्लस H2O है, तो आपके पास टू हाइड्रोजन हैं, तो आपको यहाँ पर टू लिखते हो तो इसको भी टू करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन, ये तो नहीं हुआ, हुआ? इज इट डन? नो. व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट हियर, टेल मी, कैसे होगा ये बैलेंस? कोफिशिएंट्स बताओ. हु कैन बैलेंस इट? रेज योर हैंड्स. हु कैन बैलेंस दिस इक्वेशन? बोलो. And there will be two molecules of water along with release of hydrogen gas. Yes, two molecules of water along with release of hydrogen gas. अभी बैलेंस है? ओके. प्लीज सिट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. सो आप करोगे कि जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. लेकिन ये एसिड आप जनरली देखोगे या HCl लिया जाएगा या H2SO4 लिया जाएगा. आप नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते हो क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ठीक है? सो मोस्टली आप रिएक्शन करोगे HCl के साथ. सो Na प्लस HCl, व्हाट शुड यू गेट? Na प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट क्या होता है? नहीं पता. ओके, सॉल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का कॉम्बिनेशन होता है. आपने पढ़ा होगा जो Na है वो मेटल है. ठीक है, मेटल. सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 281. इट टेंड्स टू लूज वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो वो क्या करेगा? Na से Na पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव. H पॉजिटिव है और Cl जो है वो नेगेटिव है. ठीक है, तो Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाता है और इस Cl नेगेटिव के साथ मिल जाता है. ये सॉल्ट होता है. Na Cl बन गया. ठीक है, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Na पॉजिटिव बन के ये NaCl बन गया. ये इसको हम कैटायन बोलते हैं, इसको हम एनायन बोलते हैं. ये दोनों मिलके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं और यही है हमारा सॉल्ट. कोई भी सॉल्ट अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक कैटायन मिलेगा और एक एनायन मिलेगा. लेकिन इस चीज के लिए Na ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको ये H पॉजिटिव कैच कर लेता है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चार्ज खत्म. एक H बन गया. वन पॉजिटिव चार्ज था, वन नेगेटिव इसको सोडियम से मिल गया और ये न्यूट्रल होके H बन गया. लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है एटमॉस्फेयर में. जितनी भी गैसेस हैं हम उनको बोलते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती हैं. H2O2, N2, Cl2. ठीक है, ये सारी गैसेस जो हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस जो हीलियम वगैरह हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? ये था हमारा मेटल. ये HCl वाज एसिड. मेटल में डाला हमने एसिड तो हमें मिला सॉल्ट. NaCl इज आर सॉल्ट. ठीक है, और साथ में मिली H2 गैस. समझे? और बहुत विग्रेस रिएक्शन होगा ये भी क्योंकि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव. राइट, तो
Write down this equation. Metal plus acid gives salt plus hydrogen. Salt में है आपके पास एक cation, एक anion. Cation बनती है जब भी कोई element अपना electron lose करता है. Anion बनती है जब भी कोई अपना एक electron gain करता है. और इन दोनों के combination से salt बनता है और साथ में hydrogen. ओके नेक्स्ट, अगर आप मेटल के साथ या मेटल की हाइड्रोक्साइड के साथ, व्हाट इज मेटल हाइड्रोक्साइड? इट इज अ बेस. ठीक है, जैसे कि NaOH है आपके पास या MgOH ट्वाइस है आपके पास. ये कैसे है नेचर में? बेसिक है नेचर में. ठीक है, तो इनके साथ अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हो तो क्या बनेगा? व्हेनेवर यू रिएक्ट एसिड विद बेस यू गेट सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, तो क्या पता चलता है हमें कि अगर आप एसिड और बेस को रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा. वैसे ही किसी एसिडिक कंपाउंड को बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करोगे तब भी आपको सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा. तो जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं वो बेसिक है नेचर में. तो NaOH, जैसे आपने मेटल की हाइड्रोक्साइड ली, उसको आप एसिड के साथ, जैसे आपने HCl ले लिया, तो दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस. और इसको जब आप रिएक्ट करोगे आपको मिलेगा NaCl, दिस इज योर सॉल्ट, और साथ में मिलेगा वाटर. एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. राइट, तो मैं समराइज करती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा कि जब भी आप मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो आपको मिलता है, सॉरी, आपको मिलता है मेटल ऑक्साइड. अगर आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो आपको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड. जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की. ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी उसको यूज कैसे करते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज आपको पहले याद होनी चाहिए. तो उसमें हम ये करते हैं कि आपके पास एक मेटल है, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको. जैसे मान लो आपके पास है जिंक और आपके पास है कॉपर सल्फेट. कैन यू टेल मी जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज में से आपको चेक करना है जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है. तो वो यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, वो खुद बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर निकाल देगा. लेकिन अगर मैं ये करूं कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, कैन यू टेल मी अब क्या मिलेगा? बता सकते हो? नो रिएक्शन. नो रिएक्शन, क्योंकि लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. ये है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक है, ओके. आपने एसिड के साथ रिएक्शन किया, क्या सारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर पाते हैं? कैन ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड? नो, ऐसा नहीं होता. सारे मेटल्स इतने रिएक्टिव नहीं है. जो हमने लास्ट में किए ना चापा,
CHAPA जिसमें आपके पास गोल्ड था, प्लेटिनम था, ये बहुत लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनकी ज्वेलरी इसीलिए बनती है क्योंकि वो हमारे स्किन के साथ भी इजीली रिएक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए हम एक मिक्सचर लेते हैं, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसेंट्रेटेड HCl का 1:3 की रेशियो में, और इसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, इनका मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन मेटल्स को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं एक्वा रेजिया। ठीक है, तो जो आज हमने पढ़ा उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपने क्या असाइनमेंट्स को पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो देखो जरा, टेक आउट फिफ्थ क्वेश्चन, रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बेस्ड है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी इज, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ओके, आई विल आस्क हु इज अमृत फ्रॉम 10E। अमृत फ्रॉम 10E, हाँ जी, इज अमृत देयर? यस, हाँ जी अमृत, कैन यू टेल मी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी? इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जो मैंने आपको लिखवाया भी था, उसमें से आपको देख के ही बताना है क्या है करेक्ट ऑप्शन। इज इट ABC और D? ए, हाँ जी, ABCD छोड़ो, ये बताओ कि कौन सा एलिमेंट इनमें से, ऑर्डर में बता दो, लाइक विच इज मोस्ट, लाइक सोडियम, सोडियम तो है नहीं इसमें, पोटेशियम, देन आफ्टर पोटेशियम बोलो, पोटेशियम के बाद कौन है नेक्स्ट एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में जो गिवन है उनमें से? नहीं पता तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है बच्चे, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट इज सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। अब इस सीरीज को देख के बता सकते हो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपकी ऑप्शन में। सबसे पहले है आपके पास पोटेशियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है जिंक और फिर है आयरन। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट? गो एंड सेट। अब ध्यान से सुनना है बच्चे, जो भी क्लास में मैं आपको बता रही हूँ आपको साथ साथ, कि केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये मेरे को अपनी टेंथ से याद है। ठीक है, मैंने भी टेंथ में लर्न किया था, तो आपको भी याद कर लेना, ये थ्रू आउट आपको यूज होगा, +1 +2 में भी आपको यूज होगा, रिएक्टिविटी के ऊपर आपको उसमें भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, देन इज द मेटल दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर इज, कोल्ड वाटर, आपको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ही आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि कौन जो है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो तो नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड वाटर के साथ
जितना रिएक्टिविटी कम होती जाएगी उतना आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो आपके ऑप्शंस में है मर्करी, सोडियम, जिंक एंड टंगस्टन. ठीक है, तो आप बता सकते हो इनमें से सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है जो ठंडे ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर जाएगा, जिसको आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मुझे बताएगा. हाँ जी, हाँ, 10th है से जशन दीप. कैन यू टेल मी इनमें से सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन है जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर सकता है? सोडियम. सोडियम. वेरी गुड. फिर बच्चा ओके. अब 7th क्वेश्चन में बस आपको वही रिएक्टिविटी सीरीज पे ही है, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा. फिर क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग मेटल्स पी क्यू आर एंड एस एंड देयर सॉल्ट सॉल्यूशंस इन वाटर, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव. आपको इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को चूज करना है. ठीक है, जो जो कि बाकियों को रिप्लेस कर रहा हो. जैसे इसने बोला मेटल पी सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस क्यू, तो मेटल क्यू का सॉल्ट सॉल्यूशन मिला और पी बन गया. ठीक है, मतलब क्यू क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होगा पी से, तभी उसने पी को बाहर निकाल दिया. ठीक है, सेकंड है मेटल क्यू सॉल्ट सॉल्यूशन एंड आर, इसमें ऐड किया है मेटल आर, सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और क्यू डिस्प्लेस हो गया. इसका मतलब आर जो है वो क्यू से भी ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, फर्स्ट में हमने किया कि क्यू ज्यादा रिएक्टिव है, सेकंड में तो आर उससे भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया. थर्ड है मेटल एस का सॉल्ट सॉल्यूशन है और क्यू आपने पुट किया है एंड मेटल क्यू का सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया और एस उसमें से निकल गया. तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें भी क्यू ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि क्यू ने एस को डिस्प्लेस कर दिया सॉल्ट सॉल्यूशन से. और लास्ट जो है मेटल पी का सॉल्ट सॉल्यूशन है और एस पुट किया लेकिन एस उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया. ठीक है, अब पहले तो मुझे बताओ लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, विच इज नॉट अ क्वेश्चन. ठीक है, इसमें लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, 10th ए कशिश विल टेल मी लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जिस जो कुछ नहीं कर पा रहा इसमें. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन और मुझे बताओ. टेक योर टाइम, यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू नीड टू टेल मी लीस्ट रिएक्टिव कौन है और फिर हम देखेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है. कशिश फ्रॉम 10th ए. एस इज लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि वो जैसे कॉपर ने कुछ नहीं किया था वैसे उसने रिएक्शन नहीं किया. एंड व्हाट इज मोस्ट रिएक्टिव वन, विच इज मोस्ट रिएक्टिव वन, बताओ. आर आर, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया कि क्यू ने क्यू इज ग्रेटर देन पी किया था. ठीक है, सेकेंड वाले केस में हमने देखा आर इज ग्रेटर देन क्यू, थर्ड केस में हमने देखा क्यू इज ग्रेटर देन एस. अब एस तो लीस्ट रिएक्टिव था ही, क्यू इधर भी ज्यादा रिएक्टिव है और इधर भी ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आर तो क्यू से भी रिएक्टिव है, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? ठीक है, वेरी गुड, गो एंड सेट. ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आई लास्क, हाँ, अनामिका फ्रॉम 10th ए, यू विल टेल मी बेटा. क्वेश्चन 8 इज सोडियम कम्स आफ्टर पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज. तो सोडियम इज, ऑप्शंस आर नॉट रिएक्टिव, सेकंड ऑप्शन मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन इक्वली रिएक्टिव एज पोटेशियम, फोर्थ ऑप्शन लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम.
सोडियम और पोटेशियम में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ जी, सी सी इज इट सी? व्हाट डिड यू से? आंसर बोल दो, आंसर बोल दो, एबीसीडी छोड़ो, आंसर बोल दो। सोडियम इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, एज यू कैन सी इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सी, आपने जितने भी क्वेश्चंस किए अभी तक वो आपको इसी से मिल रहे हैं, सो लर्न दिस। ठीक है, रिपीट अगेन प्लीज। बेटा बैठो, नामिका। पोटेशियम सोडियम बेरियम में यह केदारनाथ बाबा का माली आलू जरा फीके से पकाता है एंड देन चापाक। ये आपको ज्यादा यूज नहीं होंगे बट यू शुड नो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के नीचे हैं। ठीक है, आप जो रिएक्शंस करते हो एसिड्स के साथ, तो एसिड्स वाले रिएक्शंस में भी आप यही पढ़ते हो कि ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो एसिड में से एच को डिस्प्लेस कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, किसके साथ दिखाया था मैंने? सोडियम के साथ। किसके साथ दिखाया था? एसिड का रिएक्शन जो मैंने दिखाया था जिसमें उसने एच को डिस्प्लेस करके उसका H2 बना दिया था। लेकिन ऐसा सिर्फ ये वाले मेटल्स कर सकते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। ये जो चापा वाले मेटल्स हैं ये कैन नॉट, ये भी मेटल्स हैं ठीक है, लेकिन दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। वो H2 गैस रिलीज नहीं करवा पाते, वो इतने रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ के आना, जो जो आज किया वो पढ़ के आना। कल मैं ये सारा पहले आपसे चीजें पूछूंगी, उसके बाद मैं समराइज करूंगी, ताकि जैसे हमने डिफरेंस के फॉर्म में किया था ना, फिर वैसे हम डिफरेंस के फॉर्म में प्रॉपर रिटन पोर्शन करेंगे। आज जो हमने समझा है कल हम उसको प्रॉपर रिटन फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ओके देन, बाय। Thank you.